आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन शुक्रवार को राजस्थान में एक रिकॉर्ड राजस्थान सरकार के निर्देशों के बाद अपने आप ही बन गया। दरअसल पूरे राज्य में आज यानी शुक्रवार को 60,000 सरकारी और 50,000 प्राइवेट स्कूल्स के 1 करोड़ बच्चों ने 25 मिनट तक देशभक्ति गीत एक साथ गाए। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए ये बच्चे जगह जगह इस आयोजन में शामिल हुए। स्कूली प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत था और यह प्रयास अपने आप में सफल भी हो गया। बाड़मेर के जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में भी देशभक्ति गीत का सामूहिक प्रदर्शन हुआ। यहाँ के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई समेत बाड़मेर के जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, सारे अधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि आदर्श स्टेडियम में आयोजित सामूहिक देशभक्ति गान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस तरह से ये कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में यह नया रिकॉर्ड बन गया जिसमें 1 करोड़ बच्चों ने 25 मिनट तक सामूहिक देशभक्ति गीत गाए। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में सुबह 10:15 से 10:40 तक प्रदेश भर में 1 करोड़ स्कूली छात्र छात्राओं ने एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान बनाया। बाड़मेर में मुख्य कार्यक्रम आदर्श स्टेडियम में हुआ, जहां हजारों की तादाद में स्कूली बच्चों ने एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। इस दौरान बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु, बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 67,000 से ज़्यादा सरकारी और 50,000 से ज़्यादा निजी स्कूलों को इसमें शामिल किया गया था। लगभग 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 25 मिनट तक राष्ट्रभक्ति से जुड़े 6 गीत गाए। तो क्या सोचा था कार्यक्रम आने से पहले और यहाँ देखा उसके बाद कितना अच्छा लगा? इस कार्यक्रम को देख के बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे और इसमें किसी भी कास्ट का भेदभाव नहीं था, सब लोग साथ में रहे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। पहले ये नहीं सोचा था, पहले सोचा था कि केवल हमारी कॉलेज आएगी और फिर यहाँ आए तो सारे स्कूलों के और विद्यालय जो भी कॉलेज के बच्चे सब साथ में थे तो फिर और ज्यादा प्राउड फील हुआ। नमस्कार प्यारे सभी मेरे देशवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। याद रहे 13-15 अगस्त तक मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और अपने घर में तिरंगा ले रहे। जय हिंद। पूरे राजस्थान में यह एक ही समय पर एक ही सुर और लय के साथ गाए गए। बच्चों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब और राष्ट्रगान जन गण मन गाया। पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के देशभक्ति के माहौल में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बाड़मेर ही नहीं बल्कि देश भर में हर घर पर, हर प्रतिष्ठान पर झंडे दिखाई दे रहे हैं। तिरंगे झंडे की शान और सम्मान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार 15 अगस्त को पूरा देश देशभक्ति के माहौल में पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। बाड़मेर में इसको लेकर लगातार प्रशासन से लगाकर यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार का 15 अगस्त अपने आप में देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम रहेगा जिन्होंने सर्वस्व देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया।